मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का चैप्टर, हमारा जो चौथा चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। उस चैप्टर का शीर्षक है पथ की पहचान और जिसके कवि का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि हरिवंश राय बच्चन महासदी के जो महानायक हमारे हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिता हैं और वो बहुत बड़े कवि भी हैं और लेखक भी हैं। तो उनकी एक कविता यहाँ पर जो दी गई है काफ़ी प्रेरणादायक कविता है और आमतौर पर हरिवंश राय बच्चन प्रेरक कविताओं के ही रचयिता माने जाते हैं। तो उनकी एक कविता हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, पथ की पहचान। पथ की पहचान में बच्चों ये बताया गया है कि हमें अपने मंजिल को की पहचान करनी ज़रूरी है। हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुँच सकते हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। तो हम पहले कविता का सरसर वाचन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके भावार्थ को समझेंगे। तो मैं इसका सरसर वाचन कर लेती हूँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। अनगिनत राही गए क्या इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल न सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्यान दे नैनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग को रकों में दीप्त आती आती पंख लग जाते, पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। तो बच्चों, ये हमारी कविता थी पंथ की पहचान, जिसका हमने सस्वर वाचन किया। अब इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। इस कविता में उस व्यक्ति की बात की जा रही है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, उनको प्रेरणा दी जा रही है। और इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट मतलब रास्ता होता है। तो रास्ते पर चलने के पूर्व अपनी पहचान कर लो कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, इसकी कोई कहानी पुस्तकों में नहीं छापी गई है कि इस रास्ते पर चलने करके तुम्हें सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, और ना ही दूसरों के द्वारा कहे जाने पर इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते से तो अनगिनत राही गए होंगे, लेकिन उनके बारे में क्या पता कि वो कहाँ तक पहुँचे, उन्हें मंजिल मिली कि नहीं मिली। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहे उस रास्ते से जाने वाले, उस मंजिल को प्राप्त करने वाले, जिन्होंने मंजिल प्राप्त किया और अपने पैरों की निशानी वो पीछे छोड़ गए। मतलब अपनी कृतियों को, अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वो दुनिया को बता गए कि तुम भी इस रास्ते पर चल करके सफलता प्राप्त कर सकते हो। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, ये निशानियाँ चुप होकर के, गूंगी होकर के भी बहुत कुछ बोलती हैं। खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। और इसलिए पंथी को, जो राहगीर हैं, जो मंजिल की ओर जाने वाले व्यक्ति हैं, उसको कहा जा रहा है कि तुम इसके अर्थ को समझो और पहचान करके अपने रास्ते की ओर चल दो। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही भी राहगीर को ही कहा गया है यहाँ पर। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब रास्ते का, मंजिल का हम चुनाव करते हैं तो उस समय ये सोचना कि ये अच्छा है या बुरा, इसको बेकार समय बिता देना होता है। तो हमें अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, और जब ऐसा लगे चलते चलते कि ये मंजिल मेरे लिए कठिन है, इस मंजिल पर पहुँचना, तो तुम अपनी मंजिल को बदल सकते हो और बदल करके इस आसान राह चुन सकते हो। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। परंतु फिर यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जिस मंजिल की ओर तुम बढ़ रहे हो उसे अच्छा समझो, उसे सरल समझो, तो यात्रा अपने आप सरल बन जाएगी, रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, और यह भी केवल मत सोचो कि तुम पहले व्यक्ति हो जो इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए हो। तुमसे पहले भी कई लोग आए, कई लोग गए, कि बहुतों को मंजिल मिली, बहुत निराश भी हुए, पर जो जिन्हें मंजिल मिली उनके ओर देख करके हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। जो सफल व्यक्ति होता है उसके मन में हमेशा विश्वास होता है, हमेशा पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, इसलिए तुम भी पॉजिटिव बनो, तुम भी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते जाओ। और फिर कहा गया है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। फिर है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। यह अनिश्चित है कि जिस रास्ते को तुमने चुना है कहाँ पर नदी मिलेगी। सरित मतलब नदी, गिरी मतलब पर्वत, गह्वर मतलब गड्ढे। तो कहाँ पर तुमको नदी मिलेगी, कहाँ पहाड़ मिलेंगे। तुम्हें नदी भी पार करना होगा, पहाड़ भी पार करना होगा, गड्ढों को भी पार करना होगा। मतलब कि तुम्हारे मंजिल को प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाएँ आएंगी, पर तुम्हें उसे हंसते हुए पार करना होगा। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि किस जगह तक पहुँचते पहुँचते तुमको सुंदर बाग बगीचे मिल जाएं, अर्थात सफलता के दर्शन हो जाएं। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। किस जगह तुम्हारी यात्रा खत्म होगी, किस जगह तुम्हें मंजिल मिल जाएगी यह भी अनिश्चित है। इसके लिए भी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इतनी दूरी तय करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें मंजिल मिल ही जाएगी। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, यह भी अनिश्चित कि कब तुम्हें सुमन अर्थात फूल मिलेंगे और कब तुम्हें कंटक अर्थात कांटे मिलेंगे। कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम जिस राह पे चल रहे हो उस रास्ते पर तुम्हें क्या मिलेगा, सुख या दुख। हो सकता है दोनों मिले, हो सकता है कुछ ना मिले। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, उस रास्ते पर चलते चलते कितने लोग तुमसे छूट जाएंगे और कितने नए लोग तुमसे मिलेंगे भी। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, कुछ भी आ पड़े लेकिन तुमको रुकना नहीं है, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है। हर बाधा को, हर मुसीबत को पार करके आगे निकलना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही तुम्हें बाट की पहचान करनी होगी। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, कौन ये कहता है कि सपने मत देखो, कौन अब ये कहता है कि अपने हृदय में अपने सपने को मत संजो। देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। हर उम्र के बच्चे, युवा, वृद्धा, व्यक्ति जो भी हैं, हर उम्र के व्यक्ति सपने देखते हैं आगे बढ़ने की, अपने मंजिल को पाने की, एक नई राह पाने की। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, तू और प्रयास कर ले ऐसे और हो सकता भी ऐसा है कि तुम्हें सफलता ना मिले। ये उदय होते लिए कुछ भेद है नैनों के निलय में, ये सपने उदय होते हैं जिनके सपनों को पूरा करने का उद्देश्य निहित होता है, जिनको अपने सपने को पूरा करने का जज्बा होता है। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सौ, किंतु अगर जग के पंथ पर, जग के राह पर कठिनाइयों को पार करने के लिए 200 से भी अधिक बाधाएं तुम्हें मिले तो तुम्हें उसे पार करना है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। केवल सपने देखते रहना ही नहीं है, उसे पूरा करने की सत्यता को भी जानना है, जाहिर होना है, करना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के पहले तुम्हें अपने बाट के, अपने रास्ते की पहचान करनी है। स्वप्न आता स्वर्ग का दृक्कोर को में दीप्ति आती, स्वप्न आते हैं स्वर्ग के और आंखों में रोशनी भी आती है, फैलती है जब हम अपने सपने को पूरा करने की ओर बढ़ते हैं। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, पंख लग जाते हैं हमें, हमारे पैरों में और हम मंजिल को प्राप्त करने के लिए काफ़ी लालायित हो उठते हैं। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रास्ते हम लोग जब चलते हैं तो रास्ते में पड़ा कांटा जब पाँव में लगता है तो ऐसा लगता है कि वो पाँव को चीर दे रहा है। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रास्ते में पड़ा एक कांटा भी हमारे पाँव को चीर देने के लिए काफ़ी होता है। रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, जब रक्त की एक बूंद भी गिरती है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही डूब गई है। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव धरती पर टिके हों, स्वर्ग आँखें तो हमारे स्वर्ग की ओर हों, स्वर्ग के सुखों को और उतने स्वर्ग में जो प्राप्त सुख होते हैं उस सुख को प्राप्त करने के लिए आँखें हमारी हमेशा खुली हो लेकिन पाँव धरती पर टिके हो। ऐसा ना हो कि हम अपने होशवास को बैठे और गलत रास्ते को अपना लें। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। ये कांटे हमें बताते हैं कि हमें अपने पांव ज़मीन पर बैठाए रखने हैं, हमें अपनी ज़मीन से जुड़े रहना है। फिर है पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और फिर कवि ये कहते हैं कि वह चलने के पहले अपने रास्ते की पहचान कर लो कि वो रास्ता अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। वो रास्ता तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा या तुम्हारा पतन करेगा, तुम्हें अवनति की ओर ले जाएगा। और इस तरह से चुनाव करके तुम्हें अपने आपको सफलता को प्राप्त करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। तो इस कविता में हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सचेत होकर अपनी राह चुनने की सलाह दी गई है। कवि का मानना है कि जीवन पथ पर बाधाएं आती ही रहती हैं, इनसे विचलित ना होकर हमें सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी कविता और ये कविता भी काफ़ी थोड़ी लंबी हो गई है, तो कोई बात नहीं, इसे आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा और फिर इस पर अमल करने की कोशिश करिएगा। आज की कविता हमारी यहीं पर समाप्त होती है और हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो इसके प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।